guys, hope you all are doing great. My name is Shivang and welcome back to another episode of You Are Noob at Fish Tank. So yeah guys, हम लोग आज एक और amazing aquascape बनाने वाले हैं. मैं इतने दिनों से ही upload इसलिए नहीं कर रहा था because I was quite busy. And honestly speaking, इस aquascape को बनाने का plan मेरे अंदर बहुत दिनों से मैं planning कर रहा था. But frankly speaking, मैंने Hero Panty 2 देख ली थी इसलिए मैं दो हफ्ते तक सदमे में था. So without any further ado, let's get started. Firstly, हम यहाँ अपने हार्डस्केप को होली रॉक से बनाने वाले हैं बिकॉज होली रॉक का टेक्सचर काफी ज्यादा अच्छा होता है और इनके अंदर एपिफाइट प्लांट्स के रूट्स काफी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. यहाँ हम रॉक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे बिकॉज हमारा वुड स्ट्रक्चर यहाँ का मेन हाईलाइट होने वाला है. इन रॉक्स को हम अपने वुड के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे. As you can see, हम यहाँ इस वुड पीस को यूज कर रहे हैं जिसे मैंने ही बनाया है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई मेड इट, प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा. So yeah guys, this is our hardscape. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रीअरेंजमेंट हम कभी भी कितना ही बार कर सकते हैं बिफोर प्लांटिंग, क्योंकि बिफोर प्लांटिंग हमारा हार्डस्केप रॉ होता है और अगर आप इसके अंदर सैनो एक्रिलेट ग्लू यूज नहीं कर रहे हैं सो यू कैन रीअरेंज इट एज मेनी टाइम्स यू वांट. सो या गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा हार्डस्केप नियरली डन है. यहाँ पर टेक्सचर के लिए आई एम यूजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ होली रॉक एज वेल. Yeah guys, it's looking quite good. Guys, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो हार्डस्केप है वो बन चुका है. बस अभी हम इसे स्टिक करेंगे ताकि ये रिजिड हो जाए, गिरे ना कहीं. सो आई एम यूजिंग हियर फ्लेक्स क्विक. इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां से कर सकते हैं. दिस इज अ लिक्विड बेस्ड सुपर ग्लू एंड आई एम यूजिंग कॉटन. इससे हम हमारे हार्डस्केप को इजीली स्टिक कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, तो आपको 24 आवर्स के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप इसे तुरंत करके तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं. सो गाइस, आई एम यूजिंग अ सिंपल पिनसेट हियर. सो इससे फर्स्ट मैं थोड़ा सा कॉटन ले लिया है मैंने और जिधर मुझे स्टिक करना है, जैसे कि जॉइंट्स पर स्टिक करना है मुझे, उधर जॉइंट्स पर मैं पहले इस वुड को लगा दूंगा, वुड के पास इसे कॉटन को लगा दूंगा. As you can see, और उसके बाद मैं सिंपली यहां ग्लू लगा दूंगा. दिस ग्लू इज एक्वेरियम सेफ, यानी कि कोई भी क्रिएचर या इनहैबिटेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस ग्लू से बिकॉज ये बहुत जल्दी क्योर हो जाता है एंड इट्स एक्रेलिक बेस्ड ग्लू. सो एक्रेलिक इज कम्प्लीटली एनवायरमेंटल सेफ. सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पीस भी काफ़ी ज़्यादा हिलता है, तो इसे भी लगा देते हैं हम यहाँ इस ग्लू से. जैसा कि यहाँ देख सकते हैं थोड़ा स्मोक निकल रहा है यहाँ से बिकॉज इट्स रिएक्टिंग नाउ. जैसा कि कॉटन ऑर्गेनिक है तो थोड़ा रिएक्ट करेगा. थोड़ा
थोड़ा पेशेंस के साथ इजीली कीजिए, आप आराम से हो जाएगा। और भी देख लीजिए, जहां जहां थोड़े वीक जॉइंट्स है उन जगहों पे आप ग्लू लगा के स्टक कर दीजिए अपने हार्डस्केप को। हार्डस्केप मस्ट बी रिजेक्ट, वरना वुड जो है अगर आपने अच्छे से कंडीशन नहीं कराया तो वो ऊपर उठ जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं वुड हिल रही है बिकॉज इट्स नॉट कम्प्लीटली स्टिक येट, स्टिक होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसे। मैंने पहले सोचा था कि इस केप को मैं कॉर्नर हैवी स्केप बनाऊंगा, बट उसके बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया बिकॉज मेरे मन से एक ही आवाज आई, नहीं। एंड दैट्स व्हाई मैंने फिर से कॉर्नर हैवी स्केप नहीं बनाया। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपने ज्यादा ग्लू यूज कर दिया है तो थोड़ा सा कॉटन लीजिए और उसके ऊपर टॉप कर दीजिए। वो बैलेंस हो जाएगा एंड इट्स 100% एक्वेरियम सेफ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने कुछ गलत तो नहीं करा, यू आर जस्ट डूइंग इट राइट। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे खरीद सकते हैं, लिंक वहाँ दे दिया हुआ है। गाइस अब हम लोग इसके पीछे जो थोड़ी कैविटी है उसके अंदर भरने वाले हैं, तो इसकी कैप्टिविटी में हम भर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमें प्लांटिंग करनी है तो वहाँ सब्सट्रेट होना ज़रूरी है, वरना प्लांटिंग कहाँ करेंगे हम। मेक सेंस। गाइस हम लोग यहाँ पे अब रूट टैब से इसे फिल करने वाले हैं ताकि न्यूट्रिशन लॉक जाए इसके अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास रूट टैब है, अगर आप चाहोगे तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इफ़ यू वांट टू परचेज देन यू कैन गो देयर, आराम से परचेज कर सकते हैं आप जाके। इनर्ट सबस्ट्रेट में रूट टैप डालना बहुत ज़रूरी है। इनर्ट सबस्ट्रेट वो सबस्ट्रेट होती हैं जिनके पास नेचुरली कोई न्यूट्रिशन लेवल नहीं होता है या न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं होता है, सो उसे रूट टैप से न्यूट्रीफाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपके प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे बिकॉज प्लांट्स को न्यूट्रिशन ही चाहिए ग्रो करने के लिए। क्या मैंने पीछे इसके 3 रूट टैप डाले हैं, अब 2 से 3 इंचेस के बीच में एक रूट टैप डाल सकते हैं। मैं इस मेन सबस्ट्रेट में भी थोड़े रूट टैप डाल दूंगा। रूट टैप्स बाहर आते हैं तो उसे डीप डालना बहुत जरूरी है। तो यार गाइस हमारा रूट टैप डल चुका है, हमारे सबस्ट्रेट में न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं,
सो लेट्स प्लांट दिस। सो गाइस मैं मिड ग्राउंड के लिए यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जंकस रेपन्स विच इज अ ग्रास प्लांट रूट फीडर। अपने रूट से न्यूट्रिशन लेते हैं ये, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। होप यू कैन सी इसका टैग है। ऑल दीज प्लांट्स आर फ्रॉम श्री पद्मा। श्री पद्मा ने स्पॉन्सर नहीं किया है मेरे वीडियो को, बट इफ एनी वन इज वॉचिंग फ्रॉम श्री पद्मा प्लीज स्पॉन्सर मी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो प्लांट्स को लगाने से पहले प्रिपेयर कर लेना काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे पॉट से बाहर निकाल लिया है। एक पॉट में हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे बर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि तीन मिल गए हमारे पास, तीन से ज़्यादा ही होंगे। Now we can plant them in our substrate straight. So तीन के bundles में लगाऊंगा। प्लांट को काफ़ी ज़रूरी है ताकि उनके रूट अच्छे तरीके से ग्रो हो सकें। ये सारे प्लांट्स को प्लांट करने के लिए पिनसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि इसे आप हाथों से ही प्लांट कर सकते हैं तो आप भ्रम में हैं। हाथों से प्लांट नहीं किया जा सकता है, यू नीड अ पिनसेट। यहाँ थोड़ा हमें एक स्पेस दिख रहा है तो यहाँ पर भी हम इसे प्लांट कर देते हैं। आई थिंक इट विल लुक गुड। ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स थोड़े मेल्ट हो जाते हैं बिकॉज उन्हें राइट कंडीशंस नहीं मिल पाते हैं वहाँ। लुकिंग क्वाइट गुड नाउ। हम इसके पीछे लगाने वाले हैं क्रिप्टोकोरिन बकेटी। ये भी मेरे पास दो पॉट है तो इसे भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर प्लांट करके आपको दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे हाइड्रोफिला डिफॉर्मस लगाने जा रहे हैं बैकग्राउंड में। दिस इज अ बैकग्राउंड प्लांट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुशी लुक आता है इसका, एज यू कैन सी हियर। हमने यहाँ पे हाइड्रोफिला डिफॉर्मस ऐड कर दिया है तो अब हम इस प्लांट को ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। बुशी प्लांट है काफ़ी ज़्यादा, अमेजिंग ब्यूटिफुल। अभी हमने यहाँ सिंगोनांथस बेलम लगा दिया है, दस वन। अब हम यहाँ लगाने वाले हैं रोटाला ट्वाइलाइट। इसका दो कलर कॉन्ट्रास्ट आता है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज थोड़ा लाइटिंग के इशू की वजह से। जब मैं इसे प्लांट कर दूंगा तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देगा ये। सो गाइज मैंने पूरा वीडियो बनाया था बट ड्यू टू माई बैटरी डाइड पूरा वीडियो अब डिलीट हो चुका है गाइज, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट नो वरीज, मैं अभी आपको बता दूंगा कि मैंने कौन से प्लांट्स लगाए हैं। सो गाइज यहाँ पे मैंने ऊपर में वुड में अटैच किया है विच इज़ हाइग्रोफिला पिनाटीफीडा एंड
पीछे बैकग्राउंड में मैंने ऐड किया है वहाँ हाइग्रोफिला पॉलिस्पर्मा, यहाँ ट्वाइलाइट जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रास्ट आपको दिख रहा होगा, नीचे येलो आता है एंड ऊपर रेड आता है। यहाँ पे मैंने सिग्नोनेंसिस बेलम ऐड किया था एंड दैट्स ऑल। प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो कि ये कैसा टैंक बना है, आपके ओपिनियंस जानना बहुत ज़रूरी है। एंड चलिए तो अब इसमें हम थोड़े केमिकल्स डाल देते हैं जैसे कि एंटी क्लोरीन। सो अब हम यहाँ एंटी क्लोरीन डाल दे रहे हैं, ये क्लोरीन एंड हैवी मेटल्स को हटा देगा जिससे हमारा वाटर पीएच बैलेंस रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। अब हम यहाँ पे लिक्विड CO2 डाल रहे हैं, मैं इसमें वैसे भी CO2 इंजेक्शन यूज करूंगा लेकिन फॉर नाउ वी आर यूजिंग लिक्विड CO2 ताकि प्लांट्स थोड़े ग्रो हो जाए। अभी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, अब यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं तो हमारे प्लांट्स थोड़े अच्छे तरीके से उठ जाएंगे कुछ दिनों में। सीरिंज को वॉश करना काफ़ी ज़रूरी है आफ्टर यूजिंग योर सप्लीमेंट्स। तो या गाइस यही वीडियो था आज का, होप यू लर्न समथिंग न्यू। और अगर आपका कोई भी कमेंट में क्वेश्चन करने की इच्छा है तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ कमेंट कीजिए, ये टैंक कैसा लग रहा है उसको भी कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई स्टॉकिंग आइडिया है कि इस टैंक को मैं किस हिसाब से स्टॉक करूँ, सो प्लीज़ गो एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।